नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर जिला परिषद सभागृह का माहौल तब गर्मा गया जब विपक्ष ने सत्ताधारियों को सवालों के घेरे में घेर लिया, और सवाल ऐसे जिसका जवाब सत्ताधारियों के पास नहीं था। मामला साफ है कि जिला परिषद नागपुर में भ्रष्टाचार जोरों पे है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा पशु घोटाले का है। सत्ताधारियों पे आरोप है कि सरकार के तरफ से जो पशु वितरण किया जाना है वह गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, बीपीएल अथवा विधवा माताएं एवं बहनों को दिया जाना चाहिए, परंतु जिला परिषद में जो वितरण लिस्ट जारी हुआ है उसमें सुखी, अमीर, श्रीमंत और जिला परिषद सत्ताधारी पक्ष के करीबियों का नाम है। ऐसा आरोप जिला परिषद विरोधी पक्ष उपगट नेता वेंकट कारेमोरे जी ने तथा समस्त विरोधी पक्ष सदस्यों ने लगाया है। इस मामले में हमारी उनसे फोन पे बातचीत भी हुई है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो जानवर वितरण किया जाना था, पशु घोटाला जिसका आरोप लग रहे हैं, जिला परिषद में उठ रहे हैं सवाल, तो उसमें कौन कौन से जानवर देने को जीआर निकला था? गैया का दाना और बकरी थी उसमें। गाय और बकरी, कितने गाय उसमें? उसमें 1,20,000 की बोलने से गैया देना था, 3 गैया दिए, और बकरी बोलने से 9+1 बोलने से वो 9 बकरी और 1 बकरा जी। हाँ, 9+1,90,000 की थी। ये प्रति व्यक्ति को मिलना था 1,20,000 और 90,000। कैसा मिला है फिर ये? हाँ, उन्होंने जैसा अपने जो सदस्य है जी, उनके मार्फत बोले थे, उन्होंने एक ही दर्शन को जैसा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो सत्ताधारी के जो जिला परिषद सदस्य हैं उनके करीबी लोगों को मिला है, ऐसा बोल सकते हैं? और इसमें जिला परिषद अध्यक्ष जो है उनके करीबी लोगों को भी मिला होगा फिर उनके एरिया से? अच्छा, तो जो एक्चुअल में कैसे लोगों को मिलना चाहिए था ये जी? दोस्तों, किसी भी जिले या राज्य का विकास तभी संभव है जब इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीब का होगा। खैर, यह अक्सर देखा गया है कि जो लोग सत्ता के गलियारों में बड़े पदों पर विराजमान हो जाते हैं उन्हें सत्ता का ऐसा नशा चढ़ता है कि जमीन दिखनी बंद हो जाती है, गरीब की परेशानी दिखनी बंद हो जाती है, परंतु उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह नशा एक न एक दिन वही गरीब, वही मजदूर उतार देती है। हमारा यह मानना है कि सत्ता सेवा करने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य कि सत्ता आने के बाद लोग सेवा भाव भूलकर स्वार्थ के बारे में सोचने लगते हैं, और इसी स्वार्थी सोच का एक उदाहरण जिला परिषद नागपुर में अमीर लोगों का पशु वितरण लिस्ट में नाम आया और वहीं दूसरी ओर गरीब का नाम काट दिया गया। जिनके पास 3 मंजिल इमारत है, 2-2 बार हैं, 500 एकड़ जमीन है, उन्हें पशु वितरण लिस्ट के नाम में रखा गया, क्योंकि इसमें से अधिकतर या तो सत्ताधारी जिला परिषद सदस्य के करीबी हैं या फिर जिला परिषद अध्यक्ष के करीबी हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं नागपुर जिले में गरीबों के हक का हनन हो रहा है। खैर, 2.5 साल के लिए जिला परिषद अध्यक्ष पद था, जिसमें से 4 महीने बचे हैं। आने वाले समय में हम आपको बीते 2 साल में और कितने भ्रष्टाचार हुए हैं यह हम आपको बताएंगे, और 4 महीनों में कितने भ्रष्टाचार होंगे उस पर भी हमारी नज़र टिकी हुई है। आपने देखा कि जिला परिषद नागपुर में किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और गरीबों के हक के साथ में खेला जा रहा है। नए मुद्दों के साथ हम जल्द लौटेंगे, आप देखते रहें BCN News। धन्यवाद।